बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शांसली, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। आज हम आए हैं जी अपने खेतों की तरफ। कमाद को बहुत ज़्यादा कीड़ी और सुंडी पड़ गई हुई थी, तो आज उसको हम करेंगे स्प्रे। स्प्रे मैं दो किस्म की करूँगा, जो कि टेंकी में अभी डाल ली गई है और पानी भी मिक्स किया है। एक जहरीली स्प्रे है इसका नाम, और दूसरी है जी क्लोरो पैरोफास। दोनों ही अच्छी स्प्रे हैं। ये सुंडी की है और ये वाली कीड़ी की है। अभी टंकी को उठाते हैं और चलते हैं खेतों की तरफ। किसान लोगों को स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है फसल को। अगर फसल अच्छी करनी हो तो स्प्रे बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। थोड़ी मुश्किल होती है स्प्रे करते वक्त, लेकिन अच्छा फल लेना हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है। 3 से 4 टंकियाँ मैं करूँगा 1 एकड़ को, ताकि अच्छी तरह सुंडी और कीड़ी ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा ना आ सके, और बाद में फिर खाद वगैरह या पानी जो भी सिलसिला होगा वो कमाद को हम लगाते रहेंगे। गंदम की कटाई भी शुरू हो गई हुई है हमारे इलाका में, बाज़ इलाकों में शुरू हो गई है गंदम की कटाई भी। लोग तड़ातड़ गंदम की कटाई किया जा रहे हैं और ढेरियां बनाए जा रहे हैं गंदम की। माशाल्लाह जी, हम अपने खेत की तरफ आ गए हैं और ये वाला 1/2 एकड़ है हमारा। कमाद भी ये देख सकते हैं पत्तों की क्या हालत कर दी है बीमारी ने। भी जैसे ही स्प्रे इसको हुई है, आस्ता आस्ता माशाल्लाह चमकता जाएगा, दिन ब दिन सब्जो शदाब होता जाएगा कमाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्प्रे करके हो चुके हैं फ्री। अभी बीमारी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। भाई मेरे साथ आए हुए थे, भाई को स्प्रे की स्मेल काफ़ी आ रही थी जी, बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी स्प्रे की। पहली दफ़ा आपके पास खड़े हुए हैं स्प्रे करते करने के पास पहली दफ़ा खड़ा हुआ था, बहुत ही गंदी बू आ रही थी। इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा आंधियाँ भी आई हैं और साथ में बारिशें भी हुई हैं, जिसकी वजह से गंदम की फसल काफ़ी ज़्यादा गिर गई हुई है। अक्सर लोगों की गंदम गिर गई है, जिसकी वजह से वेपर वगैरह तो नहीं काट रही इस गंदम को, तो ज़्यादातर लोग हाथों के साथ ही इस गंदम को काट रहे हैं दातर के साथ। भी गंदम माशाल्लाह पक चुकी हैं बिल्कुल। धूप अच्छी लग रही है कुछ दिनों से। गंदम की कटाई का वक्त है, धूप निकलेगी तो बात बनेगी। जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी उतनी गंदम जल्द कटाई होगी। तो खैर, आज का व्लॉग यहीं था कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।